पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सज्जाय सज्जान रयस्ताइनो अपाव भावस् तवे रयस्य विशुद्धै जंसि मलं पुरेकडं समीरियं रूपमलंव जोइनो। शास्त्रकार ने बताया है, पूर्वकृत मल जो आत्मा पर चढ़ा हुआ है उसका निराकरण, उसको दूर करना और चेतना की शुद्धि होना, यह कैसे हो सकता है? इस संदर्भ में बताया गया है कि स्वाध्याय और सद्ध्यान में जो रत रहता है, स्वाध्याय में समय लगाता है और सद्ध्यान करता है। स्वाध्यायाध्यान मध्यास्ताम ध्यानात् स्वाध्याय मामनेत स्वाध्याय ध्यान संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते। स्वाध्याय फिर ध्यान फिर स्वाध्याय, यों स्वाध्याय ध्यान की संपत्ति से भीतर का परमात्मा प्रकाशित हो जाता है। तो स्वाध्याय करने वाला, सद्ध्यान करने वाला और जो त्राता है, अहिंसक है, अपाप भाव, भावों में पाप नहीं रहता, निष्पाप जो रहता है और तवे रयस्य तपस्या में रत रहता है, ऐसे व्यक्ति की आत्मा निर्मलता को प्राप्त हो जाती है, चेतना शुद्धता को प्राप्त हो जाती है। तो स्वाध्याय एक शुद्धि का माध्यम है, तो सद्ध्यान भी माध्यम है। शास्त्रकार ने ध्यान नहीं कहा यहाँ, सद्ध्यान 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 कहा है। इससे भी अनुमानित हो सकता है कि ध्यान दोनों प्रकार का होता है, सद्ध ध्यान भी होता है और असद्ध ध्यान भी हो सकता है। असद्ध ध्यान से चेतना की शुद्धि नहीं होती, सद्ध ध्यान से चेतना की विशुद्धि हो सकती है। चार ध्यान बताए गए हैं, 25 बोल याद रखने वाले 19वां बोल की स्मृति कर सकते हैं। 19वां बोल ध्यान चार, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। इन चार ध्यानों में दो ध्यान असत हैं और दो ध्यान सत हैं। आर्त और रौद्र ध्यान ये असत ध्यान हैं, धर्म और शुक्ल ध्यान ये सद ध्यान है। तो सद ध्यान से आत्मा की शुद्धि हो सकती है, सद ध्यान से आत्मा निर्मल बन सकती है। ध्यान यानी सद ध्यान अध्यात्म की साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। कहा गया है, शीशम जहां शरीरस्य मूलम जहां दुमस्य सब्बस्य साहु धम्मस्य
तहा ध्यानम विधीयते। शरीर में शीर्ष का जो स्थान है, वृक्ष में मूल का जो स्थान है, सर्वसाधु धर्म में वही स्थान ध्यान का होता है। ध्यान में एकाग्रता, ध्यान में आगे जाकर निर्विचारता और ध्यान योग निरोध। संस्कृत की धातु है ध्यं चिंतायाम, ध्यं यानी चिंतन करने में ध्यं धातु है। उससे अनर्थ प्रत्यय से ध्यान शब्द निष्पन्न होता है। ध्यान में चित्त की एकाग्रता, मनः स्थिरता और योग निरोध की साधना होती है, जहाँ मानो चेतना में वास होता है। भावक्रिया एक प्रकार का आंशिक किसी रूप में ध्यान माना जा सकता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान की बात फरमाते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी तो मुनि अवस्था से ही ध्यान में विशेष एक गति करने वाले या रुचि रखने वाले या प्रवृत्ति करने वाले बन गए थे और एक प्रेक्षा ध्यान के नाम से एक ध्यान पद्धति प्रकट हो गई, प्रादुर्भूत हो गई। और हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान नाम से ध्यान साधना की पद्धति चलती है। नाम एक पहचान के लिए होता है, मूलतः तो वो काम होना चाहिए, तत्व होना चाहिए। नाम का अपना कुछ महत्व होता है, नाम के बिना पहचान में कठिनाई। हमारे इतने संत बैठे हैं, किसी का नाम कोई न हो तो किसको कैसे बुलाएं। नाम स्थापित है, वो नाम लो तो वो संत आ सकता है। तो संज्ञाकरण नामकरण इसकी उपयोगिता होती है। हमारा व्यवहार नाम से बहुत चलता है, संज्ञा से चलता है। किसकी क्या संज्ञा, संज्ञा न दी जाए तो व्यवहार में कठिनाई हो सकती है। इतने शब्द हैं, विभिन्न अर्थों में शब्द स्थापित हैं, वाच्य और वाचक, वाच्य भी है और वाचक भी है, तो हमारा ये व्यवहार चलता है श्रुतक ज्ञान, जहाँ वाच्य और वाचक का संबंध, वाचक भी है और वाच्य भी, दोनों में संबंध होना चाहिए। संबंध है तो हमारा व्यवहार ठीक चलेगा। कि जैसे भोजन शब्द तो है भोजन, अब उसका मतलब क्या, इस अर्थ में यह भोजन शब्द है। एक वस्तु का नाम की पेंसिल, तो पेंसिल एक शब्द है, वो चीज, चीज और शब्द दोनों का संबंध हो गया। तो कभी पेंसिल लाओ तो वो लिखने की चीज आदमी ला करके दे सकता है, क्योंकि पेंसिल शब्द उस अर्थ में गढ़ा हुआ है। तो पूछिए ये क्या चीज है, कि पेंसिल है। तो वाच्य और वाचक का अपना एक जो संबंध होता है, उसका ज्ञान होता है। वाच्य वाचक संबंध का ज्ञान होने से हमारी व्यवहार की दुनिया अच्छी तरह इस संदर्भ में चल सकती है। तो प्रेक्षा ध्यान एक नामकरण हो गया, संज्ञाकरण हो गया। तो प्रेक्षा ध्यान करने से अनुमान हो सकता है, वो आचार्य तुलसी तेरा पंथ वाली, आचार्य महाप्रज्ञ जी वाली वो ध्यान पद्धति। तो नाम का अपना महत्व होता है। ध्यान में आदमी कितना स्थिर हो सकता है,
क्योंकि सत ध्यान करना है, असत ध्यान नहीं करना। ध्यान असत भी हो सकता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, प्रिय का वियोग हो जाए, किसी के आर्त ध्यान हो सकता है। इसलिए कभी कभी प्रेरणा उपदेश दिया जाता है, भाई आर्त ध्यान मत करना, आर्त ध्यान मत करना। स्थिति तो जटिल आ गई है, पर आर्त ध्यान से बचना। रौद्र ध्यान में आदमी को हिंसा आदि के भावों में नहीं जाना चाहिए। तो आर्त रौद्र ध्यान त्याज्य हैं, असत ध्यान हैं। धर्म में शुक्ल ध्यान सत ध्यान हैं, अच्छे ध्यान हैं। यों तो ध्यान की बहुत बातें हैं। आदमी का मन अच्छे विचार में रहे, रहे तो अच्छे विचार में रहे। शिव संकल्प मस्तु में मन है, मेरा मन शिव पवित्र निरुपद्रव कल्याणकारी संकल्प से युक्त रहे। अच्छा संकल्प हो, दृढ़ संकल्प हो। किमित्थम किमित्थ दुक्करम निश्चय भवसियस्य आश्रय। जो दृढ़ निश्चय वाला होता है उसके लिए क्या दुष्कर है। हालांकि पुरुषार्थ करने पर भी कभी सफलता न भी मिले तो कोई अफसोस की बात नहीं। आदमी ने पुरुषार्थ कर लिया, सफलता मिले न मिले, सफलता मिलना हमारे अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, पुरुषार्थ करना हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है। अपने अधिकार क्षेत्र में काम करें। बस हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया और कर रहे हैं, फिर सफलता मिले तो ठीक, न मिले तो ठीक, कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं है। हमने अपना पुरुषार्थ कर लिया तो फल में हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार कर्म करने में है, पुरुषार्थ करने में है, प्रयत्न करने में है। तो हम पुरुषार्थ अच्छा करते रहें, अच्छे संकल्प रखें और सपने ले लिए, वो करें वो करें, पर सपने जब संकल्प बन जाते हैं, कल्पना संकल्प बन जाती है, सारे सपने तो पूरे न भी हों, संकल्प हो, हालांकि संकल्प भी सारे पूरे कोई न भी हों। संस्कृत में जो श्लोक है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी दैवं प्रधान मिति का पुरुषा वदंती भाग्यं विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। कि उद्योगी पुरुष, पुरुषार्थी पुरुष है, उसका लक्ष्मी वरण करती है। जो दैवं प्रधानम भाग्य प्रधान है, इस विचारधारा को लेकर चलता है, भाग्य को प्रधान मानने वाले का पुरुषा कुत्सित पुरुषा, वे कुत्सित पुरुष हैं, अच्छे पुरुष नहीं है जो भाग्य को प्रधान मान कर चले। हाँ, भाग्य भी एक वाद है, सिद्धांत है, तो उसको प्रधान मत मानो। तो प्रधान किसको माने। भाग्यम विहाय कुरु पौरुष मात्म शक्त्या, अपनी आत्मशक्ति से भाग्य की बात को एक तरफ छोड़ कर के पुरुषार्थ करो। भाग्यवाद ज्ञातव्य है और पुरुषार्थवाद कर्तव्य है। तो हम पुरुषार्थ करें, तो पुरुषार्थ करें फिर सफलता न मिले तो यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोष है। प्रयत्न करने पर भी सिद्धि न मिले, सफलता न मिले, इसमें फिर क्या दोष है। कोई दोष की बात नहीं है, तुमने अपना काम कर लिया, अब तुम्हारा काम संपन्न हो गया, सफलता मिली न मिली इसकी चिंता मत करो। एक बार सफलता नहीं मिली तो वो उत्तिष्ठते जागृते पुस्तक मुनि श्री बुद्ध मल जी स्वामी की, उसमें पाठ है, एक वारम पुनः प्रहरस्व, एक वारम पुनः प्रहरस्व, के युवक निराशा में मत जाओ, यानी एक बार और प्रहार करो।
वो सीए करते हैं पहली बार में क्लियर ने, दोबारा फिर प्रयास मान लो कि वो की बार प्रयास करो कभी सफलता मिल जाए। तो जहाँ तक आशा की किरण है तब तक पुरुषार्थ करते रहो, कि जहाँ तक आशा भी मिल सकता है कुछ पुरुषार्थ करते रहो, तो पुरुषार्थ करते करते कुछ मिल भी जाए। और पुरुषार्थ करते हैं कोई न कोई उसका फल जरूर आएगा, आज नहीं तो कल। देर भले अंधेर नहीं है, देरी भले हो जाए, जो भी पुरुषार्थ करेंगे उसके अनुरूप कोई न कोई फल जरूर आएगा, ये आशा रखनी चाहिए। कब आए कैसे आए ये एक अलग विषय है। तो यह प्रेक्षा ध्यान, तो ध्यान में हमारी चित्त की निर्मलता एकाग्रता रहे। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि काल से ध्यान में जुड़े, युवाचार्य काल में तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कई बार शिविर के स्थल में ही विराज जाते। लाडनो जैन विश्व भारती में, तुलसी अध्यात्म निडम में वो शिविर लगते। आचार्य श्री तुलसी तो इधर भिक्षु विहार में प्रवास करते, और उन दिनों में युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुख्यालय वो तुलसी अध्यात्म निडम बन जाता। और वो नीचे हॉल है, हॉल में ध्यान के प्रयोग प्रवचन भी होता, दोपहर में अपराह्न में प्रवचन होता, तो कई बार परम पूज्य गुरुदेव तुलसी भी वहाँ पधार जाते, दोनों महापुरुष विराज जाते। युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मानो मुख्य प्रवचनकार, फिर गुरुदेव तुलसी का उपसंहार या प्रवचन वो भी हो जाता। तो ध्यान हम करने के लिए अपने चित्त को तैयार रखें, जो भी प्रवृत्ति करें उसमें भी ध्यान को जोड़ दें। चलते समय भी कुछ अंशों में ध्यान, भोजन करते समय भी ध्यान, राग द्वेष मुक्त। लड़का साधक संत के पास गया, बोला मुनि श्री मैंने सुना आप तो बड़े ध्यानी हैं, बड़े योगी हैं, साधना करने वाले हैं, आप क्या साधना करते हो? थोड़ा लड़का किशोर था, तो संत ने कहा वत्स मैं तो भूख लगता है तो खाना खा लेता हूँ, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूँ, नींद की इच्छा तब सो जाता हूँ, यह मेरी साधना है। लड़का बोला मुनि जी यह काम तो मैं भी करता हूँ, भूख लगने पर खा लेता हूँ, प्यास लगने पर पानी पी लेता हूँ, नींद की इच्छा होने पर लेट जाता हूँ सो जाता हूँ, तो आप में मेरे में क्या फर्क पड़ा, ये काम तो मैं भी करता हूँ। तब साधक संत ने कहा अंतर है, मैं केवल खाता हूँ, केवल पीता हूँ और केवल सोता हूँ, खाते समय उसी में जागरूकता राग द्वेष मुक्ति, पीते समय उसी में ध्यान राग द्वेष मुक्ति, सोते समय भी जागरूकता और कायोत्सर्ग की मुद्रा, राग ने द्वेष अपने आप में लीन और विश्राम साथ में कर लेता हूँ। तो तुम्हारे में वो स्थिति है क्या कि बाप जी वो तो स्थिति नहीं है, मैं तो राग द्वेष भी करता हूँ, चिंतन विचार भी आते रहते हैं। तो ध्यान हर क्रिया के साथ ध्यान जुड़ जाए, मेडिटेशन इन डेली लाइफ, दैनंदिन जीवन के साथ ही कुछ अंशों में ध्यान जुड़ जाए। भावक क्रिया प्रतिक्रिया विरति मैत्री मिताहार मित भाषण, ये पांच चीजें जीवन शैली के साथ जुड़ गई है। कुछ समय टाइम निकाल के ध्यान का प्रयोग करने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो यह ध्यान 24 घंटे आंख मूंद कर बैठना तो सबके लिए मुश्किल है, टाइम मिले उतना कर लिया, बाकी क्रिया के साथ प्रवृत्ति के साथ ध्यान को हम जोड़ने का प्रयास करें। तो भावक क्रिया चलना है तो चलने में ही ध्यान जितना हो सके, बाकी तो मन है चला जाता है, प्रयास करें भावक क्रिया। भाषण देना है तो भाषण देने में ही ध्यान, भावक क्रिया जीवित क्रिया, लिविंग एक्शन जिंदा क्रिया हो, नॉट डेड एक्शन मृत क्रिया नहीं।
कार्य कुछ करता है शरीर मन कहीं, तो डेड एक्शन सा हो गया, मृत क्रिया, मृत एक्शन। प्रतिक्रिया वृत्ति, प्रतिक्रिया नहीं कहना, कोई कुछ भी बोल दे कर दे, दृष्टा भाव ज्ञाता भाव, झटपट राग द्वेष में आकर रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं करना। और मैत्री, सबके साथ मैत्री, सद्भावना, मैत्री में सब भूएसु, सब प्राणियों के साथ मैत्री। और मिताहार, परिमित आहार, भोजन में संयम, आहार में संयम। और मित भाषण, वाणी में संयम, सीमित यानी ज्यादा नहीं बोलना, अनावश्यक नहीं बोलना। ये पांच सूत्र जीवन शैली के साथ जुड़ जाएं, कि जीवन शैली कैसी हो, इन पांच सूत्रों वाली जीवन शैली हो तो जीवन शैली अच्छी है। फिर ध्यान स्वाध्याय में जितना समय लगा सके वो लगाने का प्रयास करें। तो जो ध्यान है अध्यात्म जगत में, ध्यान का भी बड़ा महत्व है। भगवान महावीर ने तो कितनी साधना, उनका 12.5 वर्षों का जो लगभग का साधना काल है, कितना समय उनका विशिष्ट साधना में बीता होगा। और बाद में तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त हो गए। तो केवल ज्ञान प्राप्त होना, केवल दर्शन का प्राप्त होना, निरंतराय बन जाना, मोहनीयक्रम पहले ही चला गया, बहुत ऊंची स्थिति है। अब तो मानो प्राय कृतकृत्य हो गए हैं, आगे तो मोक्ष तैयार है। दानान शिष्ठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवी सुया उत्तम बम्भचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।